ये क्या तरीका है गाड़ी में खाना खाने का? दोस्तों ये जो इंसान है ना, ये मुझे इतनी जल्दबाजी में लेके आया कि मैं खाना तक नहीं खा पाया घर पे। मैंने पैक करा लिया, गाड़ी में खाना पड़ रहा है मुझे। और शहर के टिफिन में, पिंकी टिफिन में पैक करके लाया। टिफिन तो मेरा फेवरेट है। दोस्तों शादाब अब काम करेगा, कंपनी ज्वाइन करवा रहा हूँ मैं इसको, भी रोज ऑफिस जाया करेगा ऐसे उठ के मेरे साथ। तो खाना तो खाने दिया करो। खाना खाया क्यों नहीं अभी तक? प्रेशर आ गया था बस। सबसे बड़ी समस्या तो यही, आधा घंटा तो इसके प्रेशर में लेट हो जाता है। आधा घंटा ये घुसा पता रहता है बाथरूम में, पता नहीं क्या क्या करता है। वॉशरूम क्राइसिस है यार हमारे घर में, क्या कर सकते हैं। क्या क्या करता है, क्या क्या लगता है वॉशरूम में, तो तुझे ही पता है। गंदी बातें मत करना। खाने दो अब। हाँ मैं रोक रही हूँ। आचार भी तो लहसुन का आचार दिया है। हमारी शुरुआत आज जल्दी हो चुकी है, शोर भी तो इतना रहता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और तू कैसा है? मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। जब ये 5 किलो का हेलमेट लटकाएगा तो दर्द ही होगा गर्दन में, लेकिन सेफ्टी जरूरी है दोस्तों। 5 किलो के हेलमेट के चक्कर में ये 200 ग्राम का दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए ना। मतलब सेफ्टी की इतनी चिंता है कि हेलमेट के साथ साथ बेल्ट भी लगाई हुई है मैंने। अरे कौन सी बेल्ट? अरे ये पैंट वाली यार। वैसे तो दोस्तों इसका दिमाग यहाँ है तो इसको नी गार्ड पहनना पड़ेगा दिमाग बचाने के लिए, पर हाँ खैर छोड़ो। तो हम जा रहे हैं अभी नोएडा, बैंक का कुछ काम है। बैंक में आज तो डांट नहीं खाएगा उस दिन की। बैंक में आज लूट मारने जा रहे हैं दोस्तों। पैसा लूट के आएंगे सारा। मजाक कर रहा हूँ, भैया का कुछ काम है ऑफिशियल, वो करके आ रहे हैं थोड़ी देर में। बाय बाय दोस्तों। और ये देखो, मतलब जिस काम के लिए आए थे ना वो डॉक्यूमेंट ही नहीं लेके आया। अब भैया पीछे से कॉल करके इसका दिमाग ठिकाने पर लगा रहे हैं। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? पहले बताते नहीं है पूरे डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आने। अब मैं एक डॉक्यूमेंट है नहीं, कह रहे लेके क्यों नहीं गया ये वो, अब मुझे पता थोड़ी है कुछ। तो सही कह रहे हैं, तेरी ड्यूटी बनती है पूछने की। मेरी तो ड्यूटी बनती है। तो अब क्या चले वापस? यहाँ बैठेंगे चादर वादर लगा के। तो बैठ जाए इसमें, यहाँ धंधा करेंगे थोड़ी देर फिर चलेंगे। इतना अनफनी क्यों है तू? चुप रह चल। ये तो ठीक आ गया। रील बनाने के चक्कर में जंग हो गया। जंग वंग कुछ नहीं हुआ है। तुम इतनी एग्जैजरेट करने लगे हो ना कि लोग कहते हैं दोनों सिर्फ लड़ाई करते हैं, कुछ नहीं करते हो भाई। थोड़ा सा मेरी मदद कर दे। देवरानी तो तू ला के देने नहीं वाला मुझे कि मेरी हेल्प हो जाए, तो एटलीस्ट अपने कपड़े उठा के अपने घर में तो रख सकता है। हाँ रख दूंगा, अभी बहुत काम है मेरे पास अभी। देखा शराब, भैया को तेरी याद आई गई एडिट करने में। किचन वाला एक्सपर्ट की याद तो हर किसी को आती है, बस किसी और को याद नहीं आती। मेरी इस बात का दुख है मुझे। गलत बात है ये, मेरा भाई इतना मेहनती। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पैसा कमाएंगे हम फिर देखेंगे। इंडिपेंडेंट लड़कियों को पैसे कमाने वाले लड़कों से कुछ नहीं चाहिए होता। देयर इज समथिंग एल्स दैट वी नीड एंड यू डोंट अंडरस्टैंड दैट। व्हाट इज दैट? दैट आई विल टेल यू आफ्टर द वीडियो। बहुत हो गई बेइज्जती, अब पैसा कमाना है। मैंने डिसाइड करा है भैया की कार बेच रहा हूँ। मेरे नाम पे कार खरीदी हुई थी उन्होंने, बिना बताए बेच दूंगा, सारे पैसे हड़प के भाग जाऊंगा कहीं अमेरिका। तो आदिल बहुत धोखेबाज हो चुका है, रोज बहाने मार मार के निकल जाता है, पता नहीं जा कहाँ रहा है। परवेज क्या कोई है क्या उसकी जिंदगी में जिससे मिलने जाता है चोरी चोरी छुपके छुपके? इसका भी हम पता लगाएंगे। पता लगाओ दया, कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। ऐसा रोज का क्या काम है इसका जो रोज इसे बाहर जाना पड़ता है? क्या बात है, ये क्या काम है इसका? किसी दिन काला कोट पहन के चलेंगे और छापा मारेंगे, देखते हैं आखिर ये करता क्या है। काला कोट क्यों? एक जासूस बन के जाएगा। अच्छा जासूस बन के जाएगा यार। तो शहर पर मुझे एक दिल की बात करनी है। ये भैया भाभी दोनों मिलकर मुझ पर इतने ताने बरसाते हैं ना, मैं तंग आ गया। कुछ ताने बहुत, मेरे सामने को नहीं बोलते तो डरते हैं उससे। डरते हैं तो डांट देता है। चला अंदर, चला ना अंदर मत जा, अभी लपेटो दोनों को। सुन मेरे पास एक आइडिया है। मैं सोच रहा हूँ पैसे तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैं सोच रहा हूँ जो हेक्टर है वो मेरे नाम पर है, उसे बेच दे, बेच दूँ। पैसा ही पैसा होगा, बिना बताए गाड़ी बेच देता हूँ। आइडिया अच्छा, बुरा नहीं है दोस्तों। अब यही एक तरीका बचा है पैसा कमाने का, घर की गाड़ी बेच देता हूँ बिना बताए। मेरे नाम पे है, किसी से साइन की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ेगा। तुरंत बायर बुलाऊंगा, साइन करूंगा, पैसा हड़पूंगा और भाग जाऊंगा यहाँ से।
देसी दारू पियेंगे, देसी मुर्गा खाएंगे, अय्याशी आई। शर्म कर ले अल्लाह मेरी तौबा, ऐसी बात तू कर भी कैसे सकता है परवेज, शर्म नहीं आती तुझे? डायलॉग है मूवी का, कभी इधर को जा रहे हैं कभी उधर को, गाड़ी बेच का पैसा आएगा, कभी इधर को जा रहे हैं कभी कभी अमरोहा को जा रहे हैं कभी गोहा को जा रहे हैं, नीचे बुलेट रख रखी है, पुलिस वाले भी ना पकड़ ले। अच्छा एक बात बता, जब मैं तो 2014 में गोवा गया था, तो उस रोड पर क्या हुआ था ये राज आज तक किसी को पता नहीं चला। ये राज किसी को नहीं पता चलेगा कि हमारे साथ गोवा में क्या हुआ था, टीटोज लेन में क्या हुआ था। शांत, कुछ बात नहीं करनी इस बारे में, सुन तो बता देते हैं ना क्या, कुछ नहीं बताना, सुन मेरी बात। तू OLX और दो तीन वेबसाइट है कार बेचने वाली, उन पर जरा फोटो अपलोड कर और बतानी नहीं किसी को ये बात, तेरी मेरी बात गाड़ी बेच के पैसा खाएंगे, बढ़िया से घूमेंगे फिरेंगे, मतलब और पूछेंगे ना गाड़ी कहाँ, मैं बोल दूंगा फ्लैट पे खड़ी है, फ्लैट पे जाते नहीं है, मैं बोल दूंगा फ्लैट पे खड़ी है, 2 से 3 दिन के अंदर ये गाड़ी एकदम गायब हो जाएगी। दोस्तों कार के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं ऑनलाइन, जैसे ही कोई बायर मिलता है तुरंत कार बेच डालूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत सीरियस हूँ, आपको अगर लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो मैं सच में मजाक नहीं कर रहा। आप देखना 2-3 दिन के अंदर अंदर हेक्टर बेच दूंगा, ये वादा है मेरा दोस्तों, देखते रहो। अब मैं बागी बन चुका हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, जहां से पैसा मिलेगा वहां से बनाऊंगा। अब आप देखना, अब देखना, अब मेरा विलेन आर्क स्टार्ट हो चुका है। हाँ कुछ जरूरत तो नहीं है ना तुम्हें पैसे वगैरह या किसी चीज की भी, इतने भी तेरे व्लॉग ना चले भी जो तू मुझे पैसे देगा, मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। कुछ चाहिए तो बता दो, आपको चाहिए कुछ? क्या पैसे ही चाहिए? देख अभी नहीं, 2-3 दिन बाद। ठीक, बहुत देखे तेरे जैसे, मतलब इतना फुदक फुदकने लग जाएगा इसके, एक दो व्लॉग 100 के पूरे, एक सबको पैसे देगा। 100 के की बात नहीं है, हम भी यूट्यूबर है, हमें भी पता है 100 के पे कितने पैसे। नहीं नहीं, मेरे पास, मेरे हाथ में एक स्कीम लगी है जिससे मैं बहुत जल्दी अमीर होने वाला हूँ। आपको चाहिए पैसे तो बता देना, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। स्कैम करेगा तू अब? स्कैम नहीं, स्कीम। हर्षद मेहता बनेगा? कौन सी स्कीम, मैं अभी तो सुनू रात और रात कौन से ऐसे। मेरे दोस्तों को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर तूने कुछ ऐसा वैसा काम किया ना, कोई गलत काम, कोई इलीगल और ऐसी कोई एक्टिविटी में अगर तू तृप्त पाया गया, मैं क्यों तो ऐसे काम करूंगा? अखबार में आर्टिकल मैं निकलवाऊंगा डिसऑन करने का। कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, घर में बहुत... डकैती नहीं डालने वाला। अरे डकैती डकैत हूँ मैं, बातें तो ऐसे। अब आपको कुछ चाहिए तो बता दो, फालतू बात मत करो। देख लो दोस्तों, मैंने इनको ऑफर दे दिया है, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। अभी अपने खर्चे पूरे कर ले, फिर हमसे बात करें। अभी मैं तुरंत 2 दिन में इतना अमीर बनने वाला, ये क्या मिरर थोड़ी है, ये ज्वेलरी ट्राई कर रही थी तुम्हें। 2 दिन में इतना अमीर बनने वाला हूँ ना, मैं किसी ने सोची ना होगी। तो इंप्रेस हो जाएगी बस, ये कोशिश। अब गायत्री से मुझे मतलब नहीं है, मेरा विलेन आर्क स्टार्ट हो चुका है, लड़कियों से मेरे को लेना देना ही नहीं है कुछ। लड़कियां जाएं, देखो भाई तेरे पास पैसा आ रहा होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई गलत काम मत कर दियो ऐसा जिसमें मुझे तेरे घोटे तोड़ने पड़ने। गलत काम कुछ नहीं है और ना मुझे आपकी बहन से कोई मतलब है, मैं हो चुका हूँ, मेरा विलेन आर्क स्टार्ट हो चुका है। मतलब किससे है तुझे? इविल मोड में आ चुका हूँ अब मैं। मतलब है किससे तुझे? ये बात इसके दोस्तों, ये ब्लॉग आज आ जाएगा, कल वाले व्लॉग में ध्यान रखना, जो ये बोल रहा है मुझे आपकी बहन से मतलब नहीं है, कल कुछ होने वाला है सुबह, अभी नहीं बता रही मैं, इसको भी नहीं पता है, बट कल ये मतलब बात याद होनी चाहिए कि तुझे मेरी बहन से कोई मतलब नहीं है। आपकी बहन तो चली गई अमेरिका, अब कल थोड़ी ना आ जाएगी वो। मैं नहीं बता रही अभी, बट ये बात पे कायम रही हो अपने, ठीक है? आएगी ना वो, तो कैमरा रोल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नहीं करूंगा, मुझे नहीं मतलब उससे। डन डन डन, दुखी कर रखा है मुझे, क्या कहीं भी जाना हो बाल धुलवाना है, बिना पार्लर जाए कहीं जा नहीं सकती क्या? बताओ लड़ाई भाभी, मैं नहीं सहता, मैं नहीं सहता। हर फंक्शन में जब कहीं खाना खाने जाओ तो मैं पार्लर जा रही हूँ, कहाँ क्या करने, बाल धुलवाने, बाल तुमसे धोने नहीं आते तो एक औरत पार्लर भी ना जाए, तुम चाहते क्या हो? बाल तुमसे कुछ धोने नहीं आते यार, तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोल। लड़ाई करवा दी दोस्तों, लड़ाई करवा दी, चली जाती है तो मेरे बाल फिर आयन कर दो, तुम मैं बैठ जाती हूँ। नहीं तो मतलब क्या हो गया, पार्लर ही तो जाने की बात हो रही है, बाल ही तो बाल सेट करवाने हैं, क्या परेशानी है तुम्हें? तुम यहाँ नहीं कर सकती हो क्या? बात है ये, तुम परसों ही तो कराए थे, तुम टेढ़े हो गए ना यहाँ से। मैं अकेला बोर होता रहूं, वो मेरे से बात नहीं करता, अपने कमरे में घुस जाता है जाके। तुमने ही बनाया अपना व्यवहार ऐसा कि कोई बात ना करे तुमसे। ठीक है दोस्तों, मेरा व्यवहार आपको बदला बदला लगता है? नहीं दोस्तों, एक औरत अपने बाल ठीक कराने जाना चाहती है तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या बात है ये, क्या तकलीफ है? ये सज्जन पड़ रहा है अकेला मेरे पास, मुझे तो दूसरी शादी कर लो।
तेरी एक ना हो रही भैया की दूसरी भी करवा दे मुझे अब एक अरमान मलिक बनवा दे मुझे एक भी कर लिया कर लोगे मैं तो चार भी झेल लूंगा अब इसकी तरह थोड़ी जो एक ना पड़े अरे बात सुन भाभी चप्पल ये लो ये वाला इससे मारो प्यूमा वाले से अरे कंप्लीट करने दे पहले प्यूमा वाले से सुन पूरी स्टेटमेंट सुन बात का लबो लुआ बदल जाता है जल्दबाजी डिसीजन मेरा ही कहना है मतलब था कि इसके से एक निपट रही है मतलब गलत मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा इससे एक लड़की राजी नहीं करी जा रही है साथ रखने के लिए शादी कराने के लिए दोस्तों दुनिया के सारे सुख एक तरफ और मियां बीवी में लड़ाई करवाने वाला सुख एक तरफ तू मेरे से छिटेगा किसी दिन इतना ना कि इसीलिए तो मैं अपनी बहन की शादी नहीं कराना चाहती तुझसे नाच रहा है खड़ा हुआ शायद कहीं का लड़ाई करा दी पति से लड़ने के बाद पार्लर से बालों में पता नहीं क्या करा के आई है भाभी प्लीज डोंट टॉक टू मी क्या है क्यों मेरे व्लॉग से फुटेज लेता है जा यहाँ से रेडी हो जा तेरे को जाना नहीं है क्या शादी में अरे मुझे कहीं नहीं जाना किसी शादी में नहीं जाना मेरा विलन आर्क चल रहा है मेरे को नहीं जाना कहीं भी क्यों नहीं जाना क्यों ड्रामे करता रहता है मेरा मन नहीं है कहीं भी जाने का ठीक है मत जा अब आई हो मत ठीक है हाँ नहीं जा रहा ठीक है दोस्तों वैसे मैं आपको बाहर से कितना भी हंसता खेलता दिख जाऊं लेकिन सच्चाई तो यह है कि अंदर ही अंदर मैं अभी उभरा नहीं हूं उस गम से उसके जाने के गम से आपको ये दिखा रहा हूं कि मेरा विलेन आर्क स्टार्ट हो चुका है लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रहा हूं दोस्तों परसों जिसकी मुर्गा पूंछ पार्टी में मैं गया था दोस्तों कॉकटेल पार्टी में उसी की आज शादी है मेरा बिल्कुल मन नहीं है शादी में जाने का मैं क्या करूं दोस्तों शादी में भी जाने का मन नहीं है भैया भाभी से सिग्मा मेल बन के बोल दिया कि मेरे को नहीं जाना मेरा मन नहीं है पर हकीकत तो ये है मन तो है पर मैं जाऊं कैसे वहां कपल देखूंगा दुख होगा मुझे लोगों के जोड़े बन रहे हैं मेरा कुछ नहीं बन रहा किसका फोन आ गया हेलो अरे तुम रेडी नहीं हो अभी शादी में चलना है लेट हो जाएंगे चल रहे हैं भाई अभी पर तू कहाँ जा रहा था मैं चल रहा हूँ ना क्यों मूड बन गया मेरा कैसे बन गया मूड फोन आया था एक फिर क्या अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई